नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे कि सावन के महीना में ठीक ना जितने भी शिव भक्त होते हैं वो शिव मग्न होते हैं, और सावन के महीना के अंतिम दिन जो पूर्णिमा होता है, इस पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। और एक बहन अपने भाई के हाथों पर ये बंधन बांध करके उससे अपनी ज़िंदगी की सारी सुरक्षा और अपने भाई को अच्छा रहने के लिए एक ये धागा बांधती है, एक रस्म पूरा करती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि पहले के जमानों में होता क्या था कि जितने भी राक्षस होते थे और ये देव लोग होते थे, भगवान लोग होते थे, इनमें हमेशा युद्ध होते रहता था, ठीक ना। तो एक राक्षस होते हैं जिनका नाम है ठीक ना राजा बलि। राजा बलि एक राक्षस की घरानों में तो जन्म होता है, लेकिन विचार से वो राक्षस नहीं होते हैं, ठीक। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे 101 यज्ञ करना है, 101 यज्ञ करना है, और जिसके कारण उन्हें भगवान शिव और विष्णु और इत्यादि भगवानों का शक्तियाँ मिल जाएगी, ठीक ना, शक्तियाँ मिल जाएगी। तो देवताओं में बहुत सारा दिक्कत हुआ, अगर ये इतना यज्ञ कर लेगा तो हम लोग क्या होगा, ये प्रलोक आकर के ये कहीं ना कहीं ये सब राक्षस और दानव लोग आकर के यहाँ पर बहुत सारी उत्पत्तियाँ मचा देंगे, ठीक ना। जिसके कारण सभी भगवान गए विष्णु भगवान के पास और जाकर के ये बात को बताएं। तब जाकर के विष्णु भगवान ने अपना एक भेष बदल लेते हैं, और भेष बदलने के बाद कहाँ आ जाते हैं, भेष बदलने बाद राजा बलि के पास आ जाते हैं, ठीक ना। और एक वामन पंडित के रूप में, एक वामन पंडित के रूप में, ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु आ जाते हैं राजा बलि के पास, और बोलते हैं कि हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। और जो राजा बलि होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को अपने दरबार से खाली जाने कभी नहीं देते हैं, ठीक है ना। ये बात को समझिएगा कि राजा बलि जो होते हैं ना, ये मांगते हैं तीन पग, तो इन्होंने तीन पग को वचन अपना दे दिया। तो भगवान विष्णु जो वामन पंडित के रूप में मांगे हैं तीन पग, तो पहला पग में पूरा धरती को माप लेते हैं, दूसरा में पूरा स्वर्ग को माप लेते हैं, जब तीसरा पैर उठाते हैं ठीक ना, तब जाकर के वो बोलता है राजा बलि कि मेरे सर पे रख दीजिए, ठीक ना। तो इस बात को सुनकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे राजा बलि, तुम्हें जो मांगना है हमसे तुम मांग सकते हो। अब राजा बलि कुछ ऐसा मांग लेता है कि जिसके कारण भगवान विष्णु को परलोक आकर के उसका रक्षा करना पड़ता है, ठीक ना। अब इस बात से चिंतित होकर के, ठीक ना, इस बात से लक्ष्मी जी चिंतित होकर के शिव भगवान के पास जाती हैं और बोलती हैं कि कैसे भी उनका मुझे सुरक्षा करना है। तो शंकर भगवान जी बोलते हैं कि आप जाइए और राजा बलि के हाथों में कैसे भी ये एक धागे को बांध दीजिएगा, ठीक ना, तब जाकर के आपके जो विष्णु जी हैं सुरक्षित रहेंगे, ठीक ना। तो इस काम से ये आती हैं, परलोक से आ जाती हैं, ठीक ना, पाताल लोक में, ये राक्षस के लोकों में, और आ करके कैसे भी राजा बलि के हाथों पर कलाई पर एक धागा बांधती हैं, धागा बांध करके मांगती हैं, फिर से वो दे देते हैं, ठीक है, हम आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो ये विष्णु जी के बारे में बताती हैं, तब जाकर के राजा बलि प्रसन्न होता है और बोलता है कि जो भी बहन अपने भाई के हाथों पर रक्षा का एक बंधन बांधती है, एक रेशम की धागा बांधती है, ठीक ना, जो कि रक्षा की होती है, तब एक भाई का फर्ज बनता है कि वो अपने बहन के लिए सारे काम करेंगे। और उस दिन से ही रक्षाबंधन मनाने की ये क्या हो गया, प्रक्रिया शुरुआत हो गई। तो इस वीडियो में अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइए।